नमस्कार। नमस्कार। हम लोग जेठियन में मॉर्निंग वॉक में देखिए निकले हैं। हम हैं कैशियर साहब हैं और दोनों निकल गए हैं और दोनों बना बना के खाते हैं अपने से। संजोग देखिए कि हम लोग जेठियन दोनों में दोनों रहते हैं यहाँ, तो ये लोग इनका चूल्हा अपना या अपने स्टार्ट करते हैं, हम अपना चूल्हा अपने स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दोनों हम लोग काम पर लग जाते हैं। बहुत दिन के बाद कैसे सर है बोले कि आपसे मुलाकात नहीं हुई है, बिचरिया घूमेंगे। कैसा लग रहा है सर आपको? घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? और देखिए कितना सुंदर खूबसूरत है, पहाड़ है चारों तरफ। और इधर भी देखिए, इधर भी है पहाड़ और हम लोग इसी पहाड़ के बीच में जो सड़क है हम लोग घूमने जा रहे हैं। सुबह में जेठियन बहुत ही प्यारा लगता है, सुबह और शाम। सुबह की हवा बहुत ठंडी होती है, कारण कि यहाँ से 1 किलोमीटर बाद से फिर अब तो हाफ ही किलोमीटर रखिए जंगल एकदम शुरू हो जाता है, घनाघोर जंगल 17-18 किलोमीटर। और इसी रास्ते में फिर उधर ग्लास ब्रिज है और इधर देखिए सब खेत है। बरसात के समय में सब में बांध बांधा हुआ है तो पूरा पानी एकदम भरा हुआ रहेगा, लबालब एकदम। देखिए लिखा हुआ है नेचर सफारी राजगीर गेट 7.13 किलोमीटर, ग्लास ब्रिज 7 किलोमीटर पर है यहाँ से। इधर से जाइएगा तब इतना नज़दीक है और कुछ ही दिनों के बाद इधर से गेट अब खुलने वाला है। एक दिन हम लोग गए थे गेट पर तो लोग बता रहे थे कि गेट अब निकट भविष्य में ही खुलेगा, सब तैयारी हो गई है ताकि जो गया तरफ से जो लोग आएंगे और सिर्फ नेचर सफारी घूमना चाहेंगे, ग्लास ब्रिज घूमना चाहेंगे, उनको राजगीर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहीं से आएंगे, यहीं घूमेंगे। नहर से आए हमारे दोस्त की वाइफ है, तो आपका फोटो ले रहे हैं। फोटो तो उसका ही रहा। हाँ आई देखिए, ये क्या है जी? लड़का। लड़का का नाम है रे? आपका फोटो आ रहा है, सब झांक लीजिए। हाँ सबको बोल दीजिए प्रणाम। प्रणाम बोल रही है तो सब लोग देखेगा ना, बोले ना इस नहरे में रहती है, यहाँ खाती है, माने नहीं लगता ससुराल में। 15 दिन पर ही आई है, मुलाकात हुआ है और सब ठीक है ना? और ये देखिए कितना सुंदर है, अच्छा है। देखिए सूरज को देखिए, इस पहाड़ में सूर्योदय होता है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सूर्योदय देखिए कैसा होता है, देखिए कितना खूबसूरत होता है नज़ारा। पहाड़ पे सूर्योदय इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत होता है। और जब सूर्योदय होता है उसके आसपास का जो पहाड़ के ऊपर का भाग है एकदम पहले गोल्डन कलर हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ आप देख सकते हैं। देखिए पहाड़ पर इस पर हनुमान बहुत होते हैं और अंदर में पहाड़ जो है ना उसमें गुफा है, आप बारिश होगी वहाँ पर आप बैठ जाइएगा तो आपको बहुत। और दूसरा चीज़ एक दिखाते हैं चलते चलते कि देखिए इसी घोड़ा का पेड़, अगर आपके दांत में दर्द है तो इससे धो लीजिए 21 दिन लगातार, तो अगर पैरिया है, दांत में दर्द है, खून आता है, मुँह में बदबू आता है तो सारा समाधान है इसका। और देखिए दतमन है, ये कहाँ है देखिए 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 देखिए, ये सब जो है ना ये सब दतमन में से आता है, ये सब देखिए इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको करिए और धोइए, कोई पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें दूध निकलता है और थोड़ा तीता लगता है, ये दांत के लिए होता है बहुत फ़ायदेमंद। तो यहाँ पर गांव में आसपास या जो जंगल क्षेत्र में जो गाँव है वहाँ औषधीय गुण से भरपूर है, चारों तरफ बहुत बढ़िया पेड़ पौधा सब मिलता है। और इसकी जानकारी अगर आपको है
तो आपको इसका लाभ बहुत होगा। केसर साहब कितना दिन से हैं यहाँ? 4 साल से। 4 साल से मन लगता है ना सर? हैं जेठियन के हो गए हैं, 4 साल से हैं, अपना खाते हैं, बनाते हैं, घूमते हैं, चलो कोई झंझट नहीं है। तो अभी लोग को भी जब भी मौका मिले आइए, जाइए, घूमिए, टहलिए, पहाड़ पर सैर करिए। पहाड़ का ये नज़ारा है, उसको देखिए, समझिए ये प्योर फिल्टर किया हुआ गांव है। यहाँ कोई ताम झाम कुछ नहीं, बस आराम से खाइए पीजिए, पड़े रहिए। पहले तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था, अब तो थोड़ा आसान हो गया है। आसान क्या, बहुत आसान हो गया है। और मज़ा लीजिए पहाड़ का। दिल्ली को गाना है इश्क और प्यार का, मज़ा लीजिए थोड़ा इस पहाड़ का, मज़ा लीजिए इस पहाड़ का भी थोड़ा, मज़ा लेते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। अजी मज़ा में ही मज़ा है यहाँ। और देखिए इधर, देखिए उधर मंदिर है, आइए घूमिए। और शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, भगवान शिव को पूजिए, उद्धार हो जाएगा। पहाड़ के चोटी पर है, लगभग 70-80 सीढ़ी आपको चढ़ना होगा। 70-80 सीढ़ी चढ़ने के बाद में वहाँ पर बैठने का बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ आप बैठ करके भगवान को याद कर सकते हैं और मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, और पहाड़ का जो नज़ारा है उसकी आप उसको आप देख भी पाइएगा। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए मैम ये सब घूम के अपना आ गई वहाँ से, और आप लोग भी जब भी मौका मिले यहाँ पे आइए, घूमिए, टहलिए। देखिए कितना ठंडा हवा है, क्या कहते हैं। हम लोग अभी आज 18 तारीख है, 18 मई इधर घूम रहे हैं, हम लोग को ठंडा का एहसास हो रहा है। जैसे एसी से जितना हवा ठंडा निकलता है ना, उसे कम ठंडा हवा अभी नहीं निकल रहा है यहाँ से। आइए देखिए अब हम लोग पहुँच गए हड़हर पर, इसके बाद इसी चोटी पर जो है शिव शंकर का प्रतिमा है। और इधर देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, सिर्फ सखुआ का जंगल है ये, सिर्फ सखुआ, और बहुत हाई क्वालिटी का सखुआ है उसमें, इस पहाड़ में देखिए, इसमें, इस सब में। और यहीं से ग्लास ब्रिज आती है, और हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग इधर से आए हैं। और देखिए ऊपर करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं शिव मंदिर का, ओम नमः शिवाय। और वहाँ पर देखिए उधर जो पेड़ है, जनारा है, वहीं पर गौतम को अपनी पत्नी से मुलाकात हुई थी ज्ञान प्राप्ति के बाद, यहाँ पर जब आए थे और खीर बनाकर खिलाई थी। ये इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। आप अपना सेहत का ख्याल रखिए और बने रहिए हम लोग पर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।